हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब मॉम चैनल में। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने वाले हैं और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। प्रेगनेंसी में कई बार पहले तिमाही में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी बैलेंस बिगड़ना और गिरना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको अपनी केयर खुद ही करनी है। ऐसे में ये जानकारी आपको मजबूत बनाएगी, आपको किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में खुद को संभालने के लिए तैयार करेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रोज मिलती रहे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीनों तिमाही में फॉल के, गिरने के, स्लिप होने के अलग अलग रीजन होते हैं। तो क्या रीजन है, उनसे बचे कैसे, लेकिन कई बार आपके साथ अगर ऐसा हो गया है तो बहुत ज्यादा घबराहट हो सकती है कि अब क्या करें, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो जाए मुझे। तो अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि आप ठीक हैं या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है, मुझे तुरंत से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम कारणों को समझते हैं। सबसे पहला कारण कि जैसे ही फर्स्ट ट्रिमेस्टर आपका चल रहा होता है, उस दौरान शुरू के 12 हफ्ते में हॉर्मोन्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन रहता है। हॉर्मोन्स में ब्लड प्रेशर भी कई बार अप एंड डाउन जाता है, शुगर लेवल भी जाता है। तो कई बार धुंधला दिखता है, कई बार एकदम से डार्क हो जाता है और बैलेंस खत्म हो जाता है, महिला गिर जाती है। कई बार सीढ़ी चढ़ते हुए, कई बार कुछ काम करते हुए एकदम फेंट हो जाता है और आप गिर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान रखें, पानी बराबर पिए। कमजोरी बहुत लग रही है तो पानी में ORS मिला के जरूर पिए। अगर किसी को वॉमिटिंग ज्यादा होती है तो बॉडी में सॉल्ट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए आप ORS जो मार्केट में आता है वो आप ले सकते हैं। तो आपको चक्कर नहीं आएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। लेकिन सेकेंड ट्रिमेस्टर में कारण अलग होता है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में जैसे ही बेबी बंप बढ़ता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है, बच्चे का विकास होता है, तो आपकी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाती है और इस वजह से उठते बैठते वक्त, चलते वक्त, सीढ़ी उतरते चढ़ते वक्त, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, आपका बैलेंस उस समय बिगड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये हम आगे जानेंगे। तीसरा प्रमुख कारण है प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स। ये ज्यादातर थर्ड ट्रिमेस्टर में देखा गया है कि प्रेगनेंसी हॉर्मोन, जो इसको कहते हैं रिलैक्सिंग हॉर्मोन, ये जॉइंट्स को, मसल को थोड़ा सा लूज करता है, सॉफ्टन करता है, रिलैक्स करता है। इसका नाम ही रिलैक्सिन है। तो ये जब जॉइंट्स और लिगामेंट को लूज करता है, रिलैक्स करता है, तो कई बार खड़े होने, चढ़ने उतरने, ऊपर नीचे के सरफेस पर अगर आप चल रहे हैं जहां पे थोड़ी ढाल है, उतार चढ़ाव है, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और आपके पैर अनस्टेबल हो सकते हैं और ये आपके गिरने का कारण बन सकता है। तो ज्यादातर ये थर्ड ट्रिमेस्टर में ही देखा गया है। अब हम दो चीजों को समझेंगे। सबसे पहली चीज कि इन कंडीशन से हम बचे कैसे, पहले से क्या हम उपाय करके रखें कि हमारे साथ ऐसा हो ही ना, हम इससे बचे रहें। और दूसरी बात ये कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप अपनी जांच कैसे करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, कैसे समझेंगे कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरे गिरने से उस पर कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोनों बातें हम आगे समझते हैं। अगर आपको इन सभी संभावित खतरों से बचना है तो नॉन स्किड सोल वाले फुटवियर्स यूज करें, जो बिल्कुल फ्लैट ना हो, उसमें थोड़ी ग्रिप बने। बाथरूम के अंदर आप अच्छे मैट यूज करें ताकि गिरने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाए। आपको हाई हील भी नहीं पहननी है और बिल्कुल फ्लैट फुटवियर भी नहीं पहनना है, दोनों ही आपके गिरने के चांसेस बढ़ा देते हैं। आपका जब बेबी बंप बढ़ता है उसके बाद आपको वजन कैरी नहीं करना है, कोई भी वेट, क्योंकि जब आप सपोज हैंडबैग है उसके अंदर बहुत सारा आपने सामान रख लिया और कैरी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपका बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ेगा। हो सकता है कि आप पूरी तरह से खुद को ना संभाल पाए और गिर सकते हैं। तो वजन भी आपको नहीं कैरी करना चाहिए दूसरे और तीसरे ट्रिमेस्टर में। जब भी आप सीढ़ियां चढ़ें या सीढ़ियां उतर रहे हो तो हैंड रेल्स का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि अगर आपका बैलेंस बिगड़े भी तो आपके पास एक सपोर्ट हो और वो आपको होल्ड कर ले। अगली बात, सबसे खास बात, कई बार होता है कि रात को यूरिन आई या फिर प्यास लगी या फिर भूख लगी तो हम उठते हैं और अंधेरे में निकलते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि कई बार पैर किसी चीज से टकरा सकते हैं, मैट में फंस सकते हैं, कोई भी चीज पैरों में आ सकती है या फ्लोर ऊपर नीचे है, अंदाजा नहीं लग पाया, नींद में है तो आप गिर सकते हैं। तो जब भी रात को उठें या फिर किसी डार्क रूम में जा रहे हैं, एरिया में जा रहे हैं, तो लाइट जरूर लगाएं। अंधेरे में आपको कदम नहीं उठाने हैं। ये चीजें आपको प्रेगनेंसी में खुद के लिए करनी है और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए करनी है। लेकिन अब हमें ये जानना जरूरी है कि किसी महिला के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसी घटना हो गई है तो वो क्या कदम उठाएंगी, क्या अपने एग्जामिनेशंस करेंगी, कब डॉक्टर के पास जाएंगी। कभी भी आप अगर गिर जाती हैं,
और आपको लगता है डर लग रहा है कि पता नहीं अंदर बेबी सेफ है या नहीं, तो सबसे पहले आपको देखना है आपका ब्लड प्रेशर। हो सकता है कि आप खुद से चीजें बिल्कुल नहीं कर पा रही हो, तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करा सकती हैं, आप शुगर लेवल चेक करा सकती हैं, फीटल हार्ट रेट FHR डॉक्टर से चेक कराएं, चाहे सोनोग्राफी से हो चाहे डॉपलर से हो। बच्चे की हार्ट रेट कैसी जा रही है, उसका मूवमेंट भी हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा डर है, आप ज्यादा डेंजरस तरीके से गिरी हैं, तो आप सोनोग्राफी के थ्रू बच्चे का मूवमेंट भी चेक करवा सकते हैं कि बच्चा कैसे मूव कर रहा है। एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि आपके पेट में, लोअर एब्डोमेन में, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस या टेंडरनेस कुछ ऐसा अगर महसूस हो रहा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी है। आपको वेट नहीं करना है इस कंडीशन में। कई बार कोई प्रेग्नेंट लेडी गिर गई और प्लेसेंटल एब्रप्शन कुछ हुआ, जैसे प्लेसेंटा में कुछ एब्रप्शन हुआ जिससे कि बच्चे को हार्म होने के चांसेस रहे, तो इसकी जांच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग से करवा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कदम आपको उठाने चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना। कई बार गिरने से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गिरने के बाद जो हम पैनिक होते हैं उससे हमारा दिमाग प्रभावित होता है, हमारे हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, एड्रेनलिन पे फर्क पड़ता है। तो हमको घबराना नहीं चाहिए, अपने ब्रीथिंग को नॉर्मल रखना चाहिए और जांचना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई बदलाव तो नहीं आया, कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह तो महसूस नहीं हो रहे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। और आगे से आप मेरे बताए हुए कुछ 5 स्टेप्स ध्यान रखें, जिनसे कि आपको ऐसी प्रॉब्लम कभी ना होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। टेक केयर, बाय बाय।